हे जे काम चलता है ये 5-6 महीने जाए 6 महीन काम सगले चालू आगे आते एक दोना अशे हाड़ी डंपिंग करता आनी तक धरला आज आज हय आज हाँ धरले कितने त्रास जाता हंगा आज कितने त्रास जाता त्रास खूब जाता पे रे एक दोना करता मिलना आज ते 10:30 सुमार ते काम करता हाँ ये धरले तंका सामक आज पुलिस कंप्लेन दी पुलिस कंप्लेन दी पुलिस कंप्लेन घी हाँ आता पुलिस सद्या चेक के पुलिस ये दाखिले जे फोटोग्राफर आते सगळे दाखिले टैंकर खे आता हाँ टैंकर पुलिस स्टेशन आ तुम्हें कि डिमांड आम्च डिमांड आने सामके एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन घपा जाए हंगा जितले घाण करता ये जे टिप्पर हंगा उबे रहा ना रे हाड़ी हंगा डंपिंग करता सर रेजिडेंशियल कॉलोनी तुम्हारी कॉम्प्लेक्स पर आपको अभी जब रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में कोई आता है तो आपको फिर आप क्या करते हैं उसके बारे में? अब हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड है वो हमको इन्फॉर्म करता है तो हम लोग आते हैं मगर इन लोग तब तक निकल जाते हैं। हमारे सिक्योरिटी गार्ड का भी कैसा है एवरी आवर उसको राउंड लेना पड़ता है और ये करीब 300 मीटर स्ट्रेच लंबा है तो उन लोग का इतना अच्छा बना करके रखा है सिस्टम कि जब हमारा सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाता है उस टाइम ये गाड़ी को अंदर ले करके आते हैं और जब तक वो वहाँ से वापस घूम करके आता है उसको 20 से 25 मिनट का टाइम लग जाता है राउंड मार करके आने में, तब तक ये अपना काम करके चले जाते हैं। ये रेगुलर अफेयर है? ये रेगुलर है, आप देखेंगे तो आप इधर देखिए यहाँ पे पूरा गार्बेज डंपिंग करके रखा हुआ है, उस साइड में देखेंगे कंस्ट्रक्शन डेब्रिज डंपिंग करके रखा हुआ है और अंदर जो है ये रिलायंस का प्रॉपर्टी है जो कि अभी बंद है। यहाँ पे आपका अल्कोहलिक कार्यक्रम पूरा जोर शोर से चलता है, ठीक है, सीवेज भी डिस्चार्ज होता है, सीवेज डिस्चार्ज होता है, ड्रग्स लेते हैं लोग, ड्रिंक्स लेते हैं लोग, बच्चे लेते हैं, पार्टी करते हैं। इतने हंगा सर पार्टी चलता है। अभी जब पुलिस स्टेशन में जो ड्राइवर को बोला गया और जो ओनर था टैंकर का उसे पूछा गया कि तुम गाड़ी पार्किंग करके कहाँ गए तो उसने जवाब दिया कि मैं यहाँ पे वाइन शॉप है वो वाइन शॉप के बाहर बैठ करके हम लोग पार्टी कर रहे थे। भराडी नाव हाँ हंगासर रहा कॉलनी में ये जे काम चलता है 5-6 महीने जाए 6 महीन चालू आ सकते हैं पकड़ा है। आज से 1 साल पहले भी हो रहा था, तब रात को 2 बजे 2:30 बजे ऐसा काम हो रहा था। अभी आप अंदर भी देखेंगे तो हमें पता नहीं है ये कौन से टिप्पर है, ये टिप्पर है या बाहर के टिप्पर है, ला करके पूरा गोवा का डेबरी यहाँ डंप कर रहे हैं। यहाँ पे एक मंदिर भी है ऐसा सुना, महादेव मंदिर अंदर है तो वहीं के उसके बाजू में सीवेज डिस्चार्ज कर रहे हैं। हाँ महादेव मंदिर के ये कलवर्ट है, यहाँ पे ला करके सीवेज डिस्चार्ज किया है और वो ड्राइवर का बोलना है, ओनर का बोलना है कि ये मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी ली है काफ़ी ओनर, और अभी हम लोगों ने उस गाड़ी को चेक किया तो उसके गाड़ी के अंदर में अभी भी काफ़ी वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है। तो अगर पुलिस ने मांगा है वो फोटोग्राफ के प्रिंट लेकर के कल हम सुबह देंगे तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ऐसा जो ये दुष्कार्यक्रम करते हैं यहाँ पे उसको आप हाईलाइट करें और ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। कम से कम पुलिस का क्या कहना है अभी? पुलिस का पूरा सपोर्ट हमको मिला है, उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया हमारे बुलाने पे, विद इन 5 to 10 मिनट्स वो यहाँ पहुँच भी गए और उन्होंने हमारा केस भी रजिस्टर किया है, हमने केस लिख करके दिया रजिस्टर किया है, यहाँ पे आए हैं वो अभी इंस्पेक्शन करेंगे साइट का और गाड़ी को उन्होंने आश्वासन दिया कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, जहाँ तक हो सका दे विल टेक स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिक्टर एक्शन।